हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी रिड्यू चैम। तो दोस्तों, आज है हांस क्रिश्चियन ग्रेम का जन्मदिन और 166वां जन्मदिन है जिस पर गूगल ने डूडल बनाकर डेनिस माइक्रोबायोलॉजिस्ट को याद किया है। अब कौन है हांस क्रिश्चियन ग्रेम, जिनके बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। हांस क्रिश्चियन ग्रेम ने 14 नवंबर 1938 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन जाने से पहले इस विश्व को अपनी एक अहम खोज दे गए जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। और आज उनका 166वां जन्मदिन है। साल 1878 से लेकर 1885 में उन्होंने यूरोप की यात्रा की। इसके बाद बर्लिन में 1884 में बैक्टीरिया के वर्गीकरण करने का तरीका निजात किया था। गूगल अक्सर डूडल के सहारे इतिहास के स्वर्णिम दिन या मशहूर शख्सियत के को याद करता है। उनके जन्म दिवस पर जो है डूडल बनाकर उनको मतलब एक तरह से उनको विश करता है। शुक्रवार को 13 सितंबर को भी गूगल ने एक ऐसे ही शख्स को याद किया है डूडल के जरिए और इनको एक श्रद्धांजलि दी है। डूडल के सहारे डेनमार्क के मशहूर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हांस क्रिश्चियन ग्रेम को श्रद्धांजलि दी है गूगल ने। हांस क्रिश्चियन ग्रेम का जन्म 13 सितंबर 1853 को हुआ था और उनका 166वां जन्मदिन है। हांस क्रिश्चियन ग्रेम को उनकी खोज ग्रेम स्टेन के लिए जाना जाता है। ग्रेम स्टेन मेथड की मदद से बैक्टीरिया को अलग अलग प्रजातियों में बांटा जा सकता है। हांस क्रिश्चियन ग्रेम ने बैक्टीरिया को दो अलग अलग प्रजातियों में बांटा था और एक प्रजाति को ग्रेम धनात्मक के तौर पर वर्गीकृत किया गया था तो दूसरे को ऋणात्मक यानी नेगेटिव और पॉजिटिव ग्रेम। हांस क्रिश्चियन ग्रेम ने बैक्टीरिया को उनके रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर अलग अलग प्रजातियों में इसको क्लासिफाइड किया था। हांस क्रिश्चियन ग्रेम 1884 में बैक्टीरिया के वर्गीकरण के इस तरीके की खोज की थी और उनकी खोज विज्ञान की दुनिया में एक अहम खोज के तौर पर जानी जाती है। उनके इस खोज के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। ग्रेम के प्रयोग से लेकर माइक्रोस्कोप और बैक्टीरिया के नमूनों की बारीकी तक सब कुछ दिखाया गया है इसमें। और हांस क्रिश्चियन ग्रेम की शिक्षा की बात करें तो उन्होंने 1878 में कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन की डिग्री ली। इसके बाद यूरोप में जीवाणु विज्ञान और फार्माकोलॉजी पर रिसर्च करने चले गए। वहाँ पर अपनी 5 साल की रिसर्च के बाद उन्होंने ग्रेम स्टेन की खोज की थी, यानी जो बैक्टीरिया की दो प्रजातियाँ हैं उनकी खोज करी थी, पॉजिटिव ग्रेम एंड नेगेटिव ग्रेम। हांस क्रिश्चियन ग्रेम ने 14 नवंबर 1938 को इस दुनिया से अलविदा कहा, लेकिन जाने से पहले इस विश्व को एक तकनीकी की अहम खोज दी गई थी जिसे ग्रेम जो के नाम से जाना जाता है। और यह एक बैक्टीरिया के नमूनों की बारीकी से उन्होंने उसको जांच करके एक जो है इसको दो प्रजातियों में वर्गीकृत किया था, ग्रेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और कई ऐसी खोज है जिनके लिए उनको जाना जाता है, जिनका आज जन्मदिन है हांस क्रिश्चियन ग्रेम, जिनको आज के 166वें जन्मदिवस पर गूगल ने डूडल बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स होते हैं जो आपके जाने के लिए ज़रूरी होते हैं और आपसे पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम ऐसे टॉपिक्स लाते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कोई क्वेरी सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।